जनपद मुरादाबाद में यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे यातायात मार्ग आयोजन के मुख्य अतिथि डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज रहे और एसएसपी हेमराज मीणा, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण शैलेश कुमार और एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार और इसके साथ ही सभी थाना क्षेत्रों के सीओ यातायात डॉक्टर अनूप सिंह के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आप कभी भी शराब पीकर मोबाइल यूज़ करके गाड़ी ना चलाएं। जब भी गाड़ी में बैठें सबसे अगर आप टू व्हीलर बैठे हैं सबसे पहले हेलमेट लगाएं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करें। अगर आप कार में बैठे हैं सबसे पहले सीट बेल्ट पहने फिर गाड़ी स्टार्ट करें। यह अत्यंत आवश्यक है। कभी भी आपस में बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं, कभी ओवरटेक ना करें और आजकल तो सरकार ने नियम बनाए स्पीड लिमिट के, तो हमेशा स्पीड लिमिट का पालन जरूर करें, उसी में ही गाड़ी चलाएं। यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं इस चीज़ में कि जो नहीं पालन करता है बहुत भयंकर से चोट लगती हैं। मैं न्यूज़ सर्जन हूँ तो मैं अधिकतर देखता हूँ सर में गंभीर चोटें लगती हैं और ये देखा गया कि अगर हेलमेट लगाया है तो 88% गंभीर चोटें कम हो जाती हैं और मरीज की जान बच सकती है उसके अंदर। जैसे ही चोट लगे तुरंत ABC उसका पालन करें। ए हम कहते हैं एयरवे, तो सांस की नली उसको तुरंत सुरक्षित करें। अगर उसमें उल्टी गई है, खून गया है या कोई मटेरियल गया है उसे तुरंत निकालें। मरीज को करवट से लटाएं जिसे वो अपने आप निकल जाएगा साइड से। वो उसका देखें अगर मरीज सांस नहीं ले पा रहा ठीक से तो उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दें जिससे कि उसे ऑक्सीजन मिल सके और दिमाग काम करना शुरू कर सके। थर्ड आइटम सी, ब्लीडिंग बहुत होती है, खून बहुत बहता है, तो उसमें आपके पास रुमाल है, दुपट्टा है, सीट बेल्ट है, कोई भी बेल्ट है अपनी, उसका इस्तेमाल कर खून को रोकें। खून को रोकना अत्यंत आवश्यक है और उसका जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस से फ़ोन करें। उत्तर प्रदेश में 108 नंबर है, उस पर फ़ोन करें और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं जिससे मरीज जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच सके। जितनी जल्दी वो अस्पताल पहुंचेगा उतनी जल्दी डॉक्टर्स का काम कर सकेंगे अपना और उसे सेवा कर सकेंगे और उसे बचाया जा सकता है। मैं चाहूँगा कि आप जब भी हैं नियमों का पालन अवश्य करें। नियम आपका जीवन बचा सकते हैं। ये ना सोचें कि आपने अगर हेलमेट के लिए पुलिस वाला पकड़ रहा है तो चालान से बचने के लिए, वो आपके जीवन सुरक्षित करने के लिए आपको पकड़ रहा है। वो चालान से ना डरें। आपको लगे कि नहीं चालान 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 नहीं, चालान से आपको जीवन जरूरी है। आप हेलमेट पहनेंगे, सीट पहनेंगे या आप शराब की गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आप अपनी जान बचाएंगे। तो इसलिए ये ना सोचें कि सिर्फ चालान की बात है, सोचें आपके जीवन की बात है। जनपद मुरादाबाद का जो पिछले एक महीने में जो चल रहा था यातायात माँ का अभियान का, उसका आज समर्पण का मीटिंग हुआ। उस पर कई स्कूल से बच्चे आए थे और सभी अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया है। पूरे एक महीना जो SSP मुरादाबाद और उनके टीम SP ट्रैफिक के नेतृत्व में लगातार इन्होंने यातायात माँ का कई कार्यक्रम करवाया। इन्होंने लगभग 22,000 चालान कई सभी व्हीकल को मिला के उन्होंने करवा दिया। उसके अलावा लगभग 150 स्कूल का उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस के लिए जो कार्यक्रम कराए उन्होंने जाके वहाँ पे बच्चे का सभी स्टाफों का जागरूकता कराया यातायात के बारे में। और कम से कम 250 नुक्कड़ सभा उन्होंने कई सार्वजनिक स्थल पर उन्होंने करवाया है। और इसके अनुसार इसके अलावा जो FM और हाई तरीके से सोशल मीडिया में भी लगातार जागरूकता का कार्यक्रम करवाया इन लोगों ने यातायात का नियमों का पालन करने के बारे में। इसी के वजह से लगातार पिछले एक महीना जो शासन का मंशा के अनुसार जो यातायात नियमों का पालन करवाना है और साथ साथ जागरूकता कराना है, ये दोनों कार्यक्रम पूरी माह चली है। आज इसके क्लोजिंग सेरेमनी में हम आए और सभी बच्चे के हमने भी लोगों का आज शपथ दिलाया और साथ साथ उनका यातायात के बारे में नियमों के बारे में उनका जानकारी दी है। मैं सभी जनपदवासियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, आप लोग घर से निकलते समय ध्यान रखेंगे, घर सुरक्षित वापस आने के लिए सभी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, उसमें 100% सभी सुरक्षित वापस आ सकते हैं। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।